लगता है लड़की बहुत कड़क है। और ये बात नहीं है जो आप समझ रही हैं, दरअसल बात यह है कि तुम्हें देख करके मुझे ये बात याद आई, लगता है कि आप ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत। तो तुम्हें क्या भगवान ने जल्दी में बनाया है? देखिए यहां ये आप तो नाराज होकर के बात करती है, हम तुम्हारे गांव के मेहमान हैं। मैं तुम लोगों शहर को खूब कायदे से जानती हूँ। तुम लोग गांव टहलने आते हो और भोली भाली लड़कियों को फुसलाते हो और मजे लेके वापस चले जाते हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम और से बात करो। सुनो, हम आपका क्या शुभ नाम जान सकते हैं? तुमसे मतलब? अरे देखो, अब हम काफी दिन यहाँ पर ठहरेंगे और यहाँ के जो जमींदार साहब हैं, अच्छा, उनके हम भांजे हैं। आप भांजे हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन आपकी मुलाकात हुआ करेगी, क्योंकि तुम प्रतिदिन तो रोज रोज घास काटने आया करती होगी ना। हाँ? तो अगर आप अपना नाम बता देंगी तो हम तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारा करेंगे। अच्छा, अब मैं समझ गई। तो सुनो, मेरा नाम माया है। माया? जी हाँ। ओह, तुम्हारा दरअसल नाम तो बहुत प्यारा है। लेकिन अगर माया हम तुमसे कुछ बात कहें तो बुरा तो नहीं मान जाओगी? अगर कोई गलत बात होगी तो नाराज क्यों नहीं हो जाऊंगी? लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो तुम्हें बुरा लगे। लेकिन हाँ, अपने दिल की बात आज हम तुमसे कहना चाहते हैं। बको, क्या है? बके? हो सकता है इनकी ऐसी ही बोलने की रिवाज हो। खैर, कहता हूँ, हो सकता है हमारी बात माया मान जाए और हमारे दिल की तपन बुझ जाए। तो सुनो माया, हम तुमसे कहते हैं, और तू बन मेरी, तू बन मेरी सोहिली और मैं तेरा। गोरा गोला गाल देकर हमरे दिल में यो 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 हो रहा है। और क्यों ताके है गाल को जाओ सीख, तू तो
नाराज हो गई और कहते हैं नौजवान मर्द हो और नौजवान लड़की हो तो ऐसे नाराज होने से काम नहीं चलता है, इसलिए और ऐसे बोलना मेरी हीर और ऐसे बोलना मेरी हीर बधेना दिल को मेरे और मैं जवान लो मोहब्बत के मजे नहीं लगती है और शर्म नहीं आती है
अरे हमरी चौतरा हमरे दिल की ताल की पड़ुई चौतरा भाई तोर बहन हाथाल दादा है जिसने किया शर्म अरे उसका फूट गया जिसने किया बेहयाई अरे वही खाया तो मैं कहती हूँ चले जाओ नहीं तो ऐसी जगह लात मारो कि औरत के काबिल नहीं रह जाओ देख तेरी सूरत देख करके आज हमारे दिल में एक चाहे एक तमन्ना डाल रही है कहने का मतलब हुस्न परियों से चमक चांद से लाया सजाया होगा जुल्फ बिखरे तो घटाओं को पसीना आए बड़ी फुर्सत से तुझे रघु ने बनाया इसलिए मेरा कहना है कि ये जो जवानी है इसे बर्बाद मत करो हम जैसे जवान को अगर अर्पण कर दोगी तो दुआएं देगा इसलिए मेरी बात सुनो और जड़ली जवानी आके और जड़ली जवानी आके ले ले मजा हो रानी नाही ता पीछे वा ऊपर दिलो जान से अरे फिदा है और तुम हमारे ऊपर घास नहीं डाल रही हो मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ इसी में भलाई है कैसे चला जाऊं शायद मेरे दिल की दर्द को तू नहीं समझती है सुन तो जब से देखा तूने मेरी जान बन
जब उससे हसर करूंगी कि औरत के काबिल नहीं रहोगे। तुम मैं देखता हूं तू कैसा हसर करती है। अरे इतनी जोर से तुझे दबाऊं था कि तुझे यहीं पर तेरी सारी पसलियां टूट जाएगी। तो मैं भी देखती हूं जब तक मैं नहीं जाऊंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मैं देखता हूं मेरे हाथों से कैसे बचकर जाती है। वो हमारे पेड़ों पर लात मारकर चली गई। तू कहता है वो कौन थी जो मुस्कुरा कर चली गई। ले चल साले, पहले जब तक हम दवा नहीं खाएंगे तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। है राम लाल मर गए। चलो तुम कर मनो अस्पताल में खून दी। अभी तक माया फिर से घास काट के नहीं आई है और ना तो मेरा बेटा
मनोज भारती भी आया है। पिताजी क्या है बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की बात है, अगर आप सुनेंगे आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है खुशी की? तो पिताजी क्या बात है? हाँ बोलिए बेटा। आशीष दो मुझको, पिता आशीष दो मुझको, मैं फर्स्ट इंटर में आया हूँ। नंबर से हम पास आए हैं, साल भर की मेहनत खुशी फल भर में पाया है। भर में पाए हैं। अच्छा कौन सी ऐसी खुशी है? क्या इंटर में पास हो गया? इंटर पास हो गए हो? हाँ। तो अब क्या सोच रहे हो? पिताजी इसी हफ्ते भोपाल में भर्ती पुलिस की है। इसी हफ्ते इसी हफ्ते में हमें पुलिस की नौकरी मिलने वाली है, इसलिए हमें भोपाल जाना है। और भोपाल जाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है हमारे पास। ये तो बात है सही बेटा। पिताजी अगर 800 रुपए मिल जाएं तो हम भोपाल को चले जाएंगे। ठीक है बेटा, आप परेशान मत हो, इससे बढ़कर और कौन खुशी होगी कि आज हमारे बेटे का इंटरव्यू है भोपाल में, और अगर चे वहां जाकर के पास हो गया तो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा तैयारी करो और मैं अभी तुमको 800 रुपए ला करके दूंगा। ठीक है पिताजी, तब तक हम तैयारी करते हैं। हाँ। कहां मर गया उस साले और लुके पट्टे, कब देखो साला हमको चौपाल में नहीं मिलता है, ना तो सिंहासन लगा है ना तो उसको पता है। ठीक है, पता नहीं कहां मर गया है साला उल्लू का पट्टा।
अरे नंदू काका, ठाकुर साहब, राम राम, राम राम, नंदू काका, क्या है ठाकुर साहब? अरे कहो नंदू काका, कैसे आना हुआ है? कारण क्या है? हमारी हवेली तक दुख क्यों उठाए हो? अगर कौन सी परेशानी है ठाकुर साहब? हाँ, मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। ऐसी कौन सी उम्मीद है ठाकुर साहब? हाँ, मुझे 800 रुपए की जरूरत है। 800 रुपए की? जी हाँ। तुम्हें 800 रुपए की जरूरत है? जी। अरे नंदू काका, इसमें कहने की क्या बात है? हमारे दरवाजे तक आए हो, हम तुम्हें 800 रुपए जरूर दूंगा। नौकर कहां मर गए हम साले? नंदू काका, क्या है ठाकुर साहब? 800 रुपए की बात करते हो तो चाहो और तू एहसान की क्या बात है? हम गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के हमदर्द हैं। अगर किसी इंसान को कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो भाई फौरन हमारे पास आए। वो बहुत अच्छे हो, चुपे चुपे चले जाओ। पानी गाय। अरे हमारी रियासत में गरीब इंसान रहेंगे और जब इन्हें पैसा देते हैं तो पैसा लेना भी जानते हैं। गरीबों की मदद करना हमारा धर्म है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। कभी ना कभी पैसा हो जाएगा, पैसा हमारा वापस कर देंगे। और रियासत के अंदर अगर किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है तो फौरन जमींदार ठाकुर धनराज सिंह के पास लेकर के आओ। ठीक है, चलिए। और हम थोड़ा काफी परेशान है, हमारा भाजा तो अभी खेतों में काम करवा रहा होगा। मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम आराम करो, ख्यातम करवा रहे हैं। बॉडीगार्ड, ये बताओ नंदू को रुपया लिए कितने दिन हुआ है? सही दसवां हो? दसवां ना तेरू ही बताओ, मतलब दसवां दिन हो? दो महीना दस दिन हुआ। हाँ, दो महीना। वादे के मुताबिक दो महीने के ऊपर हो चुका है। हाँ, यह तो बात है। चलो तैयारी करो। हाँ। आज हम नंदू के मकान पे चलते हैं। चलो आओ हमारे। और सुनो, हाँ। वो स्टाम्प पेपर ले लो जिस पर हम लोगों को अंगूठा लगवा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ। हाँ। चलो। हेलो। हाँ भाई, मास्टर थोड़ी फरमाइश है, हम थोड़ी पूरी करते हैं। बड़ी देर से परेशान है। और फरमाइश क्या है? दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अब आइए इसका पलटा सुनती क्या है। अरबार अल्लाह बिन पूरी के मन है ना, ईदे होता है समझाने से समझे ना। Thank you.
स्वामी